नमस्कार, मैं मधुमिता आप सबका स्वागत करती हूँ मेरा चैनल स्वीट कॉम फैमिली में। आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं, इसीलिए आज मैं कुछ नया ट्राई करने जा रही हूँ और बहुत मज़ा आएगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बिरयानी। इसके लिए मेरा पानी है गर्म हो चुका है, इसमें मैं डालूँगी जो एक चम्मच ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैं डालूँगी एक चम्मच विनीगर। और अच्छे से पानी गर्म हो गया, मैं चावल धो के 2 मिनट पहले रख दिया था, उसको मैं ये पानी में डालूँगी। तो फिर धीरे धीरे करके डालना है, नहीं तो मेरे नीचे गिर जाएंगे। और ये पानी में जब अच्छे से चावल डालने के बाद खोल जाएगा, 10 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि इसको पूरा नहीं पकाना है, 75% ही पकाना है। 75% पकने के बाद इसमें से मैं, हो गया मेरा चावल है, इसमें से मैं पानी निकाल दूँगी। इसके लिए मैं कोई छेद वाला जो मेरा बर्तन है उसमें डाल दूँगी। इसमें डाला मैंने तो इसमें से सारा पानी मेरा नीचे से निकल गया और चावल बिल्कुल फ्रेश बन गया। अब मैं इसका मसाला रेडी करती हूँ। इसके लिए पुदीना और जो हरी मिर्च था मेरा थोड़ा सा लाल बन गया, ये भी डाल दूँगी। अपने टेस्ट के हिसाब से डालना 5-6 साथ। मैं 2 बड़े साइज़ का टमाटर लिया और इसको मैं पीस लूँगी। इसका पेस्ट मेरा बन गया है। अब मैं अलग से एक मसाला है जो है अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा बना हुआ है, और हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर वो मैंने मिक्स कर लिया था। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालूँगी मेरा जो सूखा मसाला है वो है तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, सूखी मिर्ची, बस यही है, जीरा। इसके बाद जो मसाला मैंने पेस्ट अदरक लहसुन का बना के रखा था पानी डाल के वो डाल दिया। उसके बाद मैं डालूँगी जो टमाटर का प्यूरी बना के रखा था वो। ये सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और मिक्स करने के बाद मैं 5 मिनट मसाला को पकने दूँगी ताकि इसमें से मैं स्मेल ना आए। और चिकन भी मैं डाला जो पीसेस छोटा छोटा मैं करके पहले रख लिया था, क्योंकि आज मैं मेरा स्टाइल में चिकन बिरयानी बनाने जा रही हूँ, जो छोटा छोटा पीसेस वाला चिकन में अच्छे बनते हैं। अब मैं ये चम्मच के एक चम्मच नमक भी मैंने डाल दिया। अब अच्छे से मैंने, चिकन भी मेरा पक गया है, थोड़ा सा बाकी है पकना। अब इस टाइम पे मैं इसमें डालूँगी, अब इस टाइम पे मैंने इसमें डालना है चावल जो मैंने पहले से पका के रख लिए थे और ठंडे भी हो चुके हैं, उसको मैं अब इसके ऊपर सेट करूँगी। और चिकन तो मेरा हो ही गया, गैस भी मैंने सिम कर दिया ताकि नीचे से ना जल जाए। अब मैं इसके ऊपर चावल धीरे धीरे इसके ऊपर डाल देती हूँ। आधा चावल मैं अभी इसके ऊपर डालूँगी। अब धीरे धीरे करके डालना है, नहीं तो चावल गिर जाएंगे। और थोड़ा सा गर्म भी है, कढ़ाई भी गर्म है और जो पतीले में बन रही है भी। मेरा आधा चावल डल गया है, अब इसके ऊपर मैं डालूँगी जो प्याज मैं पहले फ्राई करके रखा था उसको, आधा प्याज को मैं इसके ऊपर सेट कर देती हूँ। प्याज से अच्छा लगता है और इसका मीठापन भी आता है थोड़ा, इसीलिए मैं प्याज को भी ज़्यादा नहीं फ्राई किया था। अब प्याज डालने के बाद बाकी जितना चावल है सब इसके ऊपर डाल के मेरे को रेडी कर दिया। और मेरे बीन्स है जो मैंने थोड़ा पहले फ्राई करके रखा था, ये भी इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए डाल दूँगी। अच्छा लगेगा, दिखने में भी अच्छे लगते हैं, खाने में भी टेस्ट आते हैं। अब बीन्स डालने के बाद जितना प्याज मेरा बचा हुआ था फ्राई किया हुआ, वो सारे प्याज मैं अब इसके ऊपर डाल दूँगी, अच्छे से फैला के डालूँगी ताकि पूरा चावल में आए। और पुदीना भी थोड़ा सा कटिंग करके मैं इसके ऊपर डाल दिया। और जो है बिरयानी मसाला, ये है मेरे पास, इसको मैं आधा पैकेट पहले यूज़ कर चुकी थी, आधा है मेरे पास, इसको मैं डाल देती हूँ। और इसके बाद फिर जो नमक है, ब्लैक नमक, जो काला नमक बोलते हैं, उसको थोड़ा ऊपर से डाला। चिकन में नमक डाला था इसीलिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालना है, इसका टेस्ट अच्छा आता है, काला नमक से खुशबू भी अच्छे से आते हैं। और इसको डालने के बाद मैं ढक्कन बंद कर दूँगी और 5 मिनट के लिए सिम करके, गैस सिम करके पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, जल जाएंगे। मेरा चिकन भी पक चुका है, पीसेस भी छोटा छोटा था,
चावल भी मेरा पक चुका था, इसीलिए पाँच मिनट में मेरा बन जाएगा। अब मैं बनाती हूँ रायता। रायता के लिए पहले मैं दही घर में जमाती हूँ, पैकेट दही, पैकेट वाला दूध जो है उसका दही बना दिया मैंने, और उसके साथ मिक्स करने जा रही हूँ मैं जो है प्याज, खीरा और जीरा जो है, ये मैंने ऐसे सूखा कढ़ाई में फ्राई करने के बाद थोड़ा सा कोट लिया, इसमें से इसका खुशबू बहुत अच्छे से आता है, और काला नमक, बस इतना ही डालना है। दही मैं दूसरा बर्तन में ले लूँगी, इसमें से आधा दही, क्योंकि इतना मेरे को नहीं चाहिए, चार लोगों के लिए मेरे को बनाना है। इसके लिए मैं आधा ले लेती हूँ दही, और आधा मैं किसी और चीज़ में यूज़ कर लूँगी, इसीलिए मैं इसमें से आधा निकाल लिया। ये दही मेरा अच्छे से जमा है, पैकेट दूध का दही ऐसे भी अच्छे जमते हैं, तो मैं एक किलो दूध पैकेट दूध था उसमें से मैं दही जमा दिया था। अब दही डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी जो मेरे पास पहले से काट के रखे थे खीरा और प्याज, छोटा छोटा पीसेस में रख दिया था। हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं, और वो भी गाजर भी डाल सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं है, दो चीज़ डाला, और जीरा को भी कूट के इसमें डाल दिया मैं। अब इसको मिक्स करने के बाद, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, और एक चम्मच डाला, ज़्यादा नहीं, कलर भी अच्छा आता है, टेस्ट अच्छे के लिए एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया, और मेरा रायता भी रेडी हो गया। काला नमक जब खाते टाइम भी डाल सकते हैं, पहले से डाल के भी रख सकते हैं, तो मैंने डाल दिया। इसके हरा धनिया रहने से भी अच्छा टेस्ट बनता है, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है। अब बिरयानी भी मेरा रेडी हो गया है, गैस ऑफ कर दिया मैं, बस हो गया। आज बरसात का मौसम में गरम गरम बिरयानी और रायता। अब मैं इसमें डालूँगी एक चम्मच घी, इससे बहुत अच्छा खुशबू आ जाता है इसमें। बस हो गया, मेरा बिरयानी रेडी हो गया। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।